दोस्तों, झारसुगुड़ा जिला ओडिशा के सबसे समृद्ध स्थानों में से एक है। झारसुगुड़ा जिला प्राचीन और आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और ओडिशा राज्य का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है। रेल नेटवर्क और वीर सुरेंद्र साय हवाई अड्डा इसे भारत के मुख्य शहर से जोड़ता है। झारसुगुड़ा को लोकप्रिय रूप से ओडिशा का पावर हाउस भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ट्रैवल कार्निवल। दोस्तों, नंबर एक पर रंपालुगा पिकनिक स्पॉट झारसुगुड़ा का लखनपुर ब्लॉक में एक प्रसिद्ध स्थान है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यहाँ पर्यटक नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। ये जगह अपने नाम के साथ साथ आइलैंड के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर आपको टापू देखने को मिल जाएगा जो कि रंपालुगा से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर आप नाव के सहारे पहुँच सकते हैं और टापू पर पिकनिक मना सकते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है और ऐसा लगता है मानो आप किसी बीच में आ गए हैं। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है और जब टापू पर जाओगे तो टापू से आसपास का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत होता है। दोस्तों, नंबर दो पर झाड़ेश्वर शिव मंदिर। झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झारसुगुड़ा में झाड़ेश्वर मंदिर एक और शिवलिंग है जो स्वयं अर्थात पृथ्वी से अपने आप प्रकट होने वाला एक शिवलिंग होने के लिए सम्मानित है। हालांकि इस मंदिर की उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन संरचना कई बार नवीनकरण और विस्तार से गुजरी है। झाड़ेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद तीर्थयात्रियों को पास के एक खूबसूरत बगीचे में आराम करते देखा जा सकता है। नंबर तीन पर रामचंडी मंदिर। शक्ति पूजा का यह महत्वपूर्ण स्थान झारसुगुड़ा शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गुम्फा के अंदर है। प्राचीन काल से देवी रामचंडी को रामपुर क्षेत्र के शासक देवता के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर न केवल रामपुर में बल्कि पूरे पश्चिम ओडिशा में प्रसिद्ध है। दूर दूर से तीर्थयात्री और भक्त यहाँ देवी रामचंडी की पूजा करने आते हैं। दोस्तों, नंबर चार पर है कोइलीघुगर जलप्रपात। यह जलप्रपात झारसुगुड़ा से 57 किलोमीटर दूर लखनपुर ब्लॉक में उसमेल बहाल गांव के पास स्थित है। यह सिल्कन बैकड्रॉप के साथ एक सुरम्य सौंदर्य स्थल है। अहिराज नाम की एक नदी छुआखांच जंगल से निकलती है और चट्टानी बेल्ट से बहते हुए 200 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जिससे कोइलीघुगर का जलप्रपात बनता है। झरने के अंदर महेश्वरनाथ के नाम से जाने जाने वाला एक शिवालय है और डूबा हुआ शिवलिंग दिखाई नहीं देता। अगर कोई इसे सर्दियों और गर्मियों में पानी के अंदर देखने की कोशिश करता है तो शिवलिंग परावर्तित सूर्य के प्रकाश के नीचे दिखाई देता है। इसलिए तीर्थयात्रियों के लाभ के लिए झरने के बाहर एक और शिवलिंग बनाया गया है। हर साल शिवरात्रि के अवसर पर कोइलीघुगर में मेला लगता है। नंबर पाँच पर है गुजा पहाड़। ये झारसुगुड़ा जिले के तिलिया ग्राम पंचायत में और हीराकुद बांध जलाशय के पीछे स्थित है। इसके प्राकृतिक मनोरम दृश्य आगंतुकों को मन में उत्साह और उमंग पैदा करती है। यह पहाड़ क्षेत्र गर्मियों को छोड़कर हमेशा जलाशय के पानी से घिरा रहता है। गुजा पहाड़ में पहाड़ी चोटी पर एक सुरंग है जो पहाड़ी की तलहटी तक आ सकती है। यहाँ एक गुम्फा भी है जो घने जंगल से भरी हुई है। गुजा पहाड़ के दाहिनी ओर से एक और पहाड़ी जिसे देसर हिल कहा जाता है। यहाँ 500 से अधिक गाय प्राकृतिक रूप से रहती है। नंबर छः पर भालू डुमरी। लखनपुर के पास हीराकुद जलाशय के अंदर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। ये झारसुगुड़ा शहर से लगभग 52 किलोमीटर दूर है। महानदी नदी के भीतर दो छोटे छोटे आइसलैंड है जहाँ पर्यटक नाव से पिकनिक मनाने यहाँ आते हैं। माँ माहेश्वरी मंदिर मोराम में हीराकुद जलाशय के अंदर है। यह हीराकुद बांध का जलमग्न मंदिर है। मंदिर साल पर पानी में डूबा रहता है। भालू डूंगरी आइसलैंड झारसुगुड़ा के लखनपुर में पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर सात पर फटियानाल डैम। ये स्थान झारसुगुड़ा से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शीतकालीन अवकाश के लिए यह स्थान झारसुगुड़ा में पर्यटकों के बीच फेमस है।
यहाँ आप अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ आकर चिल कर सकते हैं। डैम की चारों तरफ फैले शांत परिवेश और हरियाली आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 8 पर है विक्रमखोल गुम्फा। विक्रमखोल गुम्फा झारसुगुड़ा से 25 किलोमीटर दूर बंजारी गांव के पास स्थित है। यहाँ घना जंगल है और यहाँ प्राचीन लोग रहते थे। गुम्फा में छेदे देखे जा सकते हैं जहाँ प्राचीन लोग अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ रखते थे। गुम्फा की दीवारों पर कुछ लिपियाँ और चित्रों को देखे जा सकते हैं। नंबर 9 पर है उलापगर्भ। झारसुगुड़ा से 21 किलोमीटर दूर झारसुगुड़ा बेलपहाड़ रोड पर लाजपुरा गांव के पड़ोस में एक पहाड़ी है जिसे महेश्वर पहाड़ के नाम से जाना जाता है, जहां एक पुराने पवित्र किले के अवशेष इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि नजर राजवंश के राजाओं द्वारा उलापगढ़ को एक आवासीय किले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। दोस्तों, नंबर 10 पर है पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर और बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। पहाड़ की चोटी से झारसुगुड़ा शहर का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है।